नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से आ रही है। नायब शहर काजी जैनूज राशिदीन एवं कारी सफीर कुराह मान मेरठ वासियों से होली पूर्व एवं शबे बरात को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। मैं काजी जैनूज राशिदीन, नायब शहर काजी, सदर जमीतुल्लाह शहर मेरठ, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि 28 तारीख को शबे रात है और उसी रात को होली का दहन है। 29 तारीख को अगले दिन है, उस दिन होली का त्यौहार भी है और 15 शाबान होने की वजह से उस दिन हम मुसलमान भाई रोज़ा भी रखे हैं। तो मेरी ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि शबे रात की रात को इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और कब्रिस्तान जाएँ, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाकर अगर फातिहा पढ़ें। लेकिन ये नौजवान भाई पैदल जाएँ और पैदल आएँ, मोटरसाइकिल से ना जाएँ, ना मोटरसाइकिल स्टंट करें। दूसरी चीज़ ये, इस रात को आतिशबाजी कुछ लोग छोड़ते हैं। हालांकि पिछले साल शहर काजी जैनूज राशिदीन साहब व नायब शहर काजी व जमीतुल्लाह के उलमाए किराम के कहने पर लोगों ने आतिशबाजी नहीं छोड़ी थी, तो मेरी दरख्वास्त है कि इस साल भी आतिशबाजी से परहेज करें और आतिश जैसी बाजी जैसी जो शरीयत के ख़िलाफ़ है उस पर अमल ना करें और आतिशबाजी ना छोड़ें। अगले दिन क्योंकि होली का त्यौहार है, तो मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है मुसलमान भाइयों से कि जिन इलाकों के अंदर होली खेली जा रही हो, उन इलाकों से जाने से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी न जाने दें। अगर गलती से किसी के ऊपर कोई रंग डल भी जाए या जान के डल जाए, तो शहर में अमन चैन के खातिर उसको नज़रअंदाज किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल किया जाए, उसका पालन करें और उसके इसके तहत मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और शहर में कोई काम ऐसा ना करें जिससे शहर की फिजा ख़राब हो, और अफवाहों पर ध्यान न दें। आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान का मुबारक महीना है और अब करीब ही शाबान की शबे बारात की 14 शाबान की रात शबे बारात आ रही है, इसलिए इस रात में मुसलमान आम तौर पर हमेशा से इबादत में मसरूफ़ रहा है, नमाज़ें पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, कब्रिस्तान जाता है। कोई भी फजूल काम करना इस रात में हराम है, इससे अपने आप को बचाया जाए। कब्रिस्तान जाए तो सवेरे से अपने काम से निमट लिया जाए, इनफरादी इबादत में अपना वक्त गुजारा जाए। अजीब इत्तेफाक ये है कि इस मरतबा शबे बारात और होली का दहन एक ही दिन पड़ रहे हैं, लिहाजा हमारे बिरादरी वतन का ये त्यौहार है, तो इस वक्त जो है ये हमें आपस में तालमेल पैदा करता है। अब हिंदू भाइयों के साथ आपस के अंदर बहुत ही अखलाकियात का मुजाहरा करें, किसी तरह से कोई माहौल ख़राब ना होने पाए, एक दूसरे का ताउन करते हुए अपने बच्चों को समझाया जाए। इस रात के अंदर मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरी रात हुड़दंग मचाना और स्टैंडिंग करना, ये सब चीज़ें हराम है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगले दिन रोज़ा रखते हैं, मुसलमान रोज़े का अहतमाम करते हैं, उस वक्त भी हमेशा अपने आप को जो है नॉर्मल किया जाए, घूमने फिरने के लिए न निकला जाए, क्योंकि रंग का वक्त होता है, हमारे हिंदू भाई रंग खेलते हैं, लिहाजा उनके लिए ये धर्म का एक अमल है। उस धर्म के अमल में हम अपने आप को जो है उन्हें कहीं किसी तरह से उसमें परेशानी पैदा ना हो, ये कोशिश की जाए। अल्लाह हमको तौफीक दे दे कि हम इस रात के अंदर मुबारक रात में हम गरीबों की मदद भी करें, अपना ज़रूरतमंदों की मदद करें, जैसे हमेशा करते आए हैं। किसी तरह से हुड़दंगबाजी ना हो, कहीं मजमा इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, आपस में मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हमेशा इसका ख्याल पेश नज़र रहे कि कोरोना वायरस जो है उससे हमारा मुल्क और हम महफूज रहें। अल्लाह हम सब के ऊपर करम का मामला फरमाए। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।